फ्रेश कोकोनट बर्फ़ी बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही कम सामान के साथ बनाएंगे इसको। सबसे पहले दो कोकोनट लिए हैं, फ्रेश कोकोनट, जिसमें इसकी जो ब्राउन वाली स्किन होती है ना, इसको मैं स्क्रैपर से स्क्रैप कर ले रही हूँ, बिल्कुल अलग कर देना है ये इस वाली स्किन को। फिर इसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लेना है। अब इसको मिक्सर में ट्रांसफ़र करके इसमें मैंने हाफ कप फ्रेश फुल क्रीम मिल्क डाला है, फिर इसको ग्राइंड किया है स्मूथ पेस्ट में, फिर इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में मैंने ट्रांसफ़र करा है और इसको 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट तक इसको लगातार हिलाते रहना है। अब यहाँ हाफ कप मिल्क पाउडर और हाफ कप शुगर पाउडर मैंने ऐड किया है, फिर कंटिन्यूसली इसको स्टिर किया है। अब ये थोड़ा थिक हो गया है, तब इसमें मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है और 4-5 मिनट इसको और पकाया है। अब ये मिक्सचर बनकर एकदम तैयार हो चुका है। घी से ग्रीस करके मैंने यहाँ पहले से प्लेट रखी हुई थी, उसमें सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र करके स्पैचुला से इवनली स्प्रेड कर लूँगी। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, जिसका मतलब भगवान का फल, उसे किसी भी पूजा या पावन पर्व पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये मैं कुछ कटे हुए मेवे इसके ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। अब इसको एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी मैं सेट होने के लिए। नारियल और केला दोनों ही एक ऐसे फल हैं जो पुराणों के समय से भगवान को चढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही फल बिना बीज के उत्पन्न होते हैं, बोलते हैं कि ये बिना जूठन के उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए बहुत पवित्र हैं और भगवान को चढ़ाए जाते हैं पूजा में। तो इस नारियल बर्फ़ी को या तो आप भोग प्रसाद में चढ़ाइए या फिर कभी ऐसे भी घर में बनाकर खाइए। इसमें घी भी ऐड नहीं है, यानी नो एक्स्ट्रा फैट, बहुत ही ईजी रेसिपी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।